हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पपाया फ्रूट फेशियल किट, और साथ में आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको फेशियल करना भी है। पूरी डिटेल वीडियो है, आप पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। घर पे ही आप बिल्कुल अफोर्डेबल से किस तरह से फेशियल कर सकते हैं लॉकडाउन में। पार्लर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बाहर जाना भी नहीं चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट आपको 257 रुपीज़ का है, लेकिन 154 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 5 स्टेप दिए गए हैं, क्लेंजर, टोनर, स्क्रब, जेल, क्रीम, पैक, और बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। और ये ब्लेमिश फ्री स्किन के लिए है। अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं या फिर पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप ये फेशियल कर सकते हैं। ये आप मंथ में एक बार दो बार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड और प्लेटिनम सिल्वर फेशियल से तो यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेचुरली ग्लो करता है। और गोल्ड फेशियल में तो भस्मा होता है, जो गोल्ड सिल्वर में सिल्वर भस्मा होता है, तो उसी से आपका स्किन जो है वो ग्लो करता है। और बार बार जो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तो वो सारे भस्मा हमारे स्किन के अंदर जाते हैं, तो वो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यही वाला फेशियल किट प्रिफर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये वाला फेशियल किट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फेशियल किट है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो टोनर एंड क्लिंजर है। क्लिंजर में ही टोनर डाला गया है, और आप इसको अच्छी तरह से एक दो मिनट क्लीन कर लें, एक दो मिनट मसाज करें, ताकि आपका स्किन जो है वो डीपली क्लीन हो जाए, सारे डर्ट एंड पोल्यूटेंट निकल जाए। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ, सर्कुलर वाइज और अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, डाउनवर्ड आपको नहीं करना है। जो भी आप चीज़ें प्रोडक्ट लगाने वाले हैं अभी, आप नेक के साथ लगाते रहिए उसको। क्लींस करना है तो स्क्रबिंग करना है, जो भी चीज़ें करेंगे आप नेक के साथ ही आप अपने फेस को करते रहिए क्लीन। अब मैंने फेस को धो दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, इससे हमारे जो वाइट हेड एंड ब्लैक हेड जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो स्क्रब हमको थर्ड स्टेप में करना है, और ज़्यादा जोर से नहीं घिसना है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, स्किन में थोड़ा हार्श हो सकता है। इसलिए बहुत जेंटली आपको स्किन को जो है स्क्रब करना है। हमने स्टीमिंग जो किया हुआ था, हमारे जो वाइटिंग एंड ब्लैक हेड है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे। आप चाहे तो पिन भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट हेड रिमूवर, जो ब्लैक हेड रिमूवर पिन होता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाई। बहुत जेंटली आपको अपने स्किन को जो है रब करना है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद आपको वॉश बहुत अच्छी तरीके से करना है, एक भी पार्टिकल स्क्रब का नहीं रहे, वरना जो हम क्रीम का मसाज करेंगे, जेल का मसाज करेंगे, तो उसके साथ ही वो मसाज होते रहेंगे। और उसके बाद हमें जेल को मसाज करना है। इसको तब तक हमें मसाज करना है जब तक हमारी स्किन में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्व ना कर ले। बहुत ही रिफ्रेश लगेगा आपको जब ये फेशियल आप करेंगे, बाद में आपको इसका रिजल्ट जो है अच्छे से पता चलेगा, लेकिन ग्लो जो है वो एक दो दिन के बाद ही आएगा। तो मैं अब कुकुम्बर जेल को मसाज करने वाली हूँ, जब तक कि मेरी स्किन को ये एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से नहीं कर लेता। अपवर्ड डायरेक्शन में अंडर आई सर्कल पे आप बिल्कुल हल्के हाथों से, एक फिंगर से ही इसको धीरे धीरे आप मसाज करते रहें। और उसके बाद आपको इसको वॉश बिल्कुल नहीं करना है, इसी पर ही आपको क्रीम का मसाज अच्छी तरीके से कर लेना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं अपने चिक्स एरिया पे करना है। उसके बाद जो मेन आता है वो मसाज क्रीम है। क्रीम को आपको नेक पे भी लगाना है, फेस पे भी लगाना है, हर चीज़ों को नेक और फेस पे दोनों तरफ लगाना है। क्रीम को आपको तब तक मसाज करना है जब तक आपके स्किन को ये फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वाइट बिल्कुल नहीं दिखेगा। मसाज हो के ना ये आपके स्किन के अंदर बिल्कुल चला जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि गोल्ड फेशियल और सिल्वर फेशियल में ना बहुत सारे भस्मा होते हैं, वही जो हम मसाज करते हैं स्किन के अंदर जाते हैं, और वो दिखता है कि ग्लो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है हमारे स्किन के लिए। आप देख सकते हैं मुझे और भी 5 मिनट मसाज करना पड़ेगा, बिल्कुल स्किन के अंदर नहीं गई है। आपको 8 to 10 मिनट लग जाएगा इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराने में। और उसके बाद आपको उसे सिर्फ मॉइस्ट कपड़े से पोंछ लेना है, धोना नहीं है क्रीम को। और उसके बाद आप पैक लगाइए, जो भी आपको पैक दिया गया है। पैक लगाने से ना मुझे थोड़ा बर्निंग फेस पे हुआ, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया है, पिंपल्स कुछ नहीं आएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मुझे बर्निंग फील हुआ मेरे स्किन पे।
और इसको आपको जब सूख जाए तो वॉश कर लेना है। देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल क्लीन लग रही है स्किन। और उसके बाद आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। उसी में दिया गया था मॉइस्चराइज़र, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगता है मॉइस्चराइज़र उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको भी आप अच्छी तरीके से अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करा लें। और उसके बाद आपको दूसरे दिन बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं करना है, कोई भी फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ सनस्क्रीन नेक्स्ट मॉर्निंग आपको लगानी है और एक दिन के बाद आपको ग्लो पता चलेगा। सो आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।